लिया। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? प्रभु धन्यवाद करते मॉर्निंग प्रार्थना, भोर की प्रार्थना में। जैसा कि आपको बताइए कि नाइट प्रेयर चल रही है और 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन 15-16 दिन बाकी है इस महीने के। तो उसी प्रकार से ये प्रार्थना चल रही है और आप तक पहुँच रही है। बस आपसे निवेदन है कि जो भी प्रार्थना आप तक पहुँचे उसे आप देखें, ताकि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपसे और हमसे बात करे। आज इसी टॉपिक पे नाइट प्रेयर भी बात हुई थी और इसी टॉपिक पे आज फिर बात होगी, प्रार्थना की शक्ति। और मैं विश्वास कहता हूँ कि जब आप इस प्रार्थना को देखोगे तो आपके जीवन की जो प्रार्थना है प्रभु सुनेगा। हालेलुया, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुबह पिता परमेश्वर तूने हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर तेरी उपस्थिति में आए। जितने भाई बहन पिता इस प्रार्थना को देखेंगे पिता, आज प्रार्थना की शक्ति उनको एहसास करवाना, आज उनसे बातचीत करना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, मेरा बोलना तेरा बोलना हो। पूरी इस प्रार्थना को अपने हाथ में लेना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने कबूल करे, आमीन। बिल्कुल सही सुना कि जब परमेश्वर का जो आत्मा है मेरे भाई मेरे बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हम पे आता है। आज प्रार्थना की शक्ति के बारे में, प्रार्थना के टाइटल के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम बड़ा छोटा सा वर्ड लेते हैं, हम प्रार्थना तो कर लेंगे, लेकिन प्रार्थना छोटा वर्ड नहीं है। प्रार्थना हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्पत्ति से लेकर आज तक परमेश्वर ने प्रार्थना को पहला महत्व दिया। हालेलुया, उत्पत्ति में प्रार्थना स्टार्ट हुई और आज तक चल रही है। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया कि हम प्रार्थना कर सके, क्योंकि हम प्रार्थना को बड़ा छोटा सा महत्व समझते हैं। हम सोचते प्रार्थना तो आती क्या करें, कभी कभी बोलते प्रार्थना नहीं प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना से क्या हो सकता है ये आपको अंदाजा नहीं है। आज इसी अंदाजे के लिए हम बाइबल में से निकालेंगे और आप और हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय है। आप सब जानते हैं याकूब के बारे में, याकूब की पत्री के बारे में 5 अध्याय के। मेरी बाइबल में जो लिखा हुआ है वो प्रार्थना की शक्ति लिखा हुआ है, टाइटल है ना, टाइटल होता ना, आपकी भी लिखा हुआ हेडलाइंस जो है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु मैं बातचीत करना चाहता है, बड़ा गौर से सुनेंगे। और आज जो आपकी प्रार्थना निवेदन जो इस डायरी में है, जो आपके पास भी लिखी हुई है, वो प्रभु कैसे गवाही में बदलता है ये आप अपनी आंखों से देखोगे। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। देखिए, यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, दुखी है तो प्रार्थना करे। दुखी हम किसी बात में हो सकते हैं ना, हमारी शादी टूट गई या हमारी शादी नहीं हुई या हमारा नौकरी लगी, बहुत कारण होता है दुखी का। तो वहाँ पर वर्ड है प्रार्थना करें। यदि आनंदित है तो स्तुति भजन का। यदि तुम में से कोई रोगी है, अब यहाँ पर रोगी आ गया, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप कभी रोगी हो। तभी प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने चंगाई दुनिया में भेजी। क्या बोला परमेश्वर ने, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, जितने रोग मैं मिस्र में भेजे उसे एक भी तुम पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्यों चाहता है चंगा करना परमेश्वर? क्योंकि वो जानता है कि मेरे बेटे बेटे बीमार नहीं पड़े, स्वस्थ रहे, हस्तपुष्ट रहे। क्योंकि अगर ये बीमार पड़ गए तो काम कौन करेगा, है ना? परमेश्वर कार्य, शैतान चाहता है हम बीमार रहें ताकि प्रभु का काम ना हो, वो बीमार जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं चाहता, तभी तो चंगाई भेजी है। तो क्या कहता है, देखिए, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मिलकर प्रार्थना करे, फिर प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना, किसकी प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना। हाँ मेरे भाई, जब हम विश्वास करें, किस पे? मेरे पे नहीं, प्रभु पे, प्रभु के वचन पे, कि नहीं मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो काम होगा। और हाँ, और आमीन के साथ है। क्या लिखा है? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु बचाना चाहता है रोगी को, प्रभु नहीं चाहता है मेरा बेटा बेटी बीमार पड़े। वो क्या कहा, अगर ये बीमार है तो 1000 लोगों को सुसमाचार कौन सुनाएगा? मेरा और आपका परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम तरक्की करें, उन्नति करें, आगे बढ़े, बीमारी से नहीं और गरीबी से नहीं, परेशानी से नहीं, बल्कि उन्नति करें। और शैतान चाहता है कि हम इसमें उन्नति करें, बीमार पड़े रहे, गरीब रहे, परेशान रहे, पाप में रहे, वो मैं इस चीज़ में उन्नति चाहता है। और हमारा परमेश्वर हमें आशीष में उन्नति चाहता है, फ़र्क है ना? तो वही है, जब हम प्रार्थना करेंगे तो शैतान की सारी क्या होगी, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है, रोगी बच जाएगा, प्रभु उसे खड़ा करेगा, और उसने यदि पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। देखो, प्रार्थना से पाप की क्षमा मिल रही है, चंगाई मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना से है। हमारा प्रार्थना को हल्के में ला ले। अगर आप प्रार्थना कर सकते हो तो जरूर करें।
सबके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए भी करें, सबके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना को हल्की बात ना लें, प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना है। प्रार्थना से तो हम यहाँ पे पहुँचे, प्रार्थना से तो बंधन टूटते। यीशु मसीह का जीवन भी तो प्रार्थना करता, यीशु मसीह रात में प्रार्थना करते थे ताकि हम सुबह जहाँ भी उनको जाना होता है वो सही जाए और परमेश्वर के प्लान में चले। तो हमें और आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना जब आती है तो उसे रिसीव करना है। आगे देखिए क्या लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अब यहाँ पे सोचना, गौर करना मैं जो पढ़ रहा हूँ, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्यों एक दूसरे की क्यों प्रार्थना करें हम, क्यों एक दूसरे प्रार्थना बोला है? यह लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। क्यों एक दूसरे की प्रार्थना है, आप मेरे लिए करो मैं आपके लिए करूं, क्यों बोला प्रभु ने? क्योंकि हम जब अपनी प्रार्थना करते हैं शायद हमारा विश्वास, हमारा भय का आत्मा हम पे होता है, शायद हमारा अजीज ठीक होगा नहीं होगा ये माइंड में चलता है ना। जैसे कि दुनिया का कितना अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन अपने बेटे का जब ऑपरेशन करेगा तो उसके हाथ कब कब आएंगे, ममता आ जाएगी, घबराहट आ जाएगी, आंसू से होकर तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। सडनली वही बात है, एग्जैक्टली वही बात है कि जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, और एक पापी व्यक्ति कैसे प्रार्थना करेगा अपने लिए? लेकिन आप जानते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पति मेरा पत्नी किस मुसीबत में है, किस परेशानी में, उनके लिए प्रार्थना करो। संसार देश के लिए प्रार्थना करो, कोरोना के लिए प्रार्थना करो, ये निवेदन है। ये देश के लिए प्रार्थना करो, ये बेटियों के लिए प्रार्थना करो, रेप बलात्कार ना हो, है ना, चोरी चकारी ना हो। ये कोई प्रार्थना निवेदन नहीं देना आएगा आपको, ये आपको स्वयं चुनने हैं। ये प्रार्थना निवेदन देश के दुनिया के ये हमें खुद चुनने हैं, ठीक है। क्या लिखा है, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना, जिसको प्रार्थना आती है धर्मी जन है ना, परमेश्वर के कहता है कि हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो क्या लिखा है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होगा मेरे भाई। आज आप देखोगे इस प्रार्थना की शक्ति के अभाव से, आप देखोगे आज प्रभाव को, आप देखोगे आज। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगे मनुष्य था, हमारे समान था, वो भी एक मनुष्य था वैसे हम और आप है। उसने क्या करा, उसने क्या करा, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। क्या करी, प्रार्थना करी, यहाँ फिर बढ़ा गया, प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना करी, दोबारा प्रार्थना करी, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। इसका मैं तो आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, एलिया ने प्रार्थना करी आकाश बंद हो जा, यानी कि बंद हो गया। अगर आप प्रार्थना करोगे कि मेरे पति मेरे पापा मेरे भाई की श्राप छूट जाए, तो वो बंद हो जाएगी, श्राप नहीं आएगी वहाँ पे, है ना। यानी कि बंद करने की पावर भी हम पे, हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन रास्तों को बंद कर देगा, शैतान ने खोल रखे आपके लिए, चाहे वो व्यभिचार का रास्ता हो, चाहे वो चोरी का रास्ता हो, चाहे वो पति के मारने का रास्ता हो, चाहे वो कर्जा का रास्ता हो, कोई भी रास्ता हो, बंद हो जाएगा जैसे ही ये आकाश बंद हो गया। लेकिन जब प्रार्थना करेंगे हम तो खुल लेंगे वो रास्ते जो शैतान ने बंद कर रखे, ब्लेसिंग के, छुटकारे के, चंगाई के, आज़ादी के, स्वतंत्रता के, और परमेश्वर के करीब के रास्ते। ये है प्रार्थना की शक्ति, और प्रार्थना की शक्ति आज अपने आँखों से, ये अपने जीवन में आप इसको भली भांति देखोगे कि आज प्रार्थना प्रभु कैसे सुनता है और आपके आंसू के आंसू कैसे पोंछता है। ये प्रार्थना निवेदन की डायरी है जो मैंने लिख रखी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे इन सभी के लिए, इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें और आपने दिया, और विश्वास से, और रिसीव करना है हर किसी को। रिसीव करोगे तो प्रभु की अपनी आंखों से प्रभु की महिमा को देखोगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर वचनों के लिए पिता, जो मॉर्निंग में मिला आज भोर की प्रार्थना में, आज आपने हमसे बात करी, नाइट प्रेयर में बात की, धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई बहन पिता सुबह उठते हैं पिता, अगर उठते के साथ ही कोई चिंता परेशानी उनको सता रही है, डर सता रहा है, तो चले जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर उनको आज कहीं जाना है, या मेडिकल रिपोर्ट लेने जानी है, या डॉक्टर के पास जाना है, या फिर पिता अपने घर बाहर से बाहर निकलना है, इंटरव्यू ले जाना है, बिजनेस के लिए जाना है पिता, शादी के लिए जाना है, कहीं भी जाना है पिता, किसी भाई बहन को पिता जाने आने में सहायता करना। और प्रभु जी पाप के लिए ना जा पाए आज, व्यभिचार के लिए ना जा पाए, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए बढ़ पाए, और जितने भी घर से बाहर निकलते हैं सबके आने में सहायता करना पिता, कोई डर खौफ का आतंक दूर करना। प्रार्थना करते हैं आप सब निवेदनों के लिए पिता, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने बीमार है वो ठीक हो जाए पिता, कर्ज के आत्मा उतर जाए पिता यीशु मसीह के नाम से, शैतान दुष्ट आत्मा बुरी सपने निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, संतान
पाने का सुख मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, शादी के बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, शादी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, नौकरी की ब्लेसिंग मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बिजनेस की ब्लेसिंग मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो बिजनेस जो पवित्र हो जो तेरे में सही हो वही मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लड़ाई झगड़ा क्लेश बंद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कोई कोर्ट केस चल रहा है केस में वो छूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पढ़ाई लिखाई में ब्लेसिंग मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पाप बुरी आदत बुरे संबंध से छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो खो गया है वो मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर जो आत्मिक उन्नति चाहते हैं वरदान चाहते हैं वो वरदान आत्मिक उन्नति भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता शराब बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अकेलापन की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कोई ऐसा परिवार है जो अकेला मानता है प्रभु यीशु मसीह को बाकी नहीं मानते, सबका उद्धार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता जितनी बहनें गर्भवती महिला है पिता परमेश्वर बहनें हैं उनकी सही डिलीवरी होने पाए यीशु मसीह के नाम से, पिता जितने भाई बहन इस समय प्रार्थना देख रहे हैं अपना योगदान दे रहे हैं और जितने ऑफरिंग दान देते हैं वो सब ब्लेसिंग पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पूरा दिन के अंदर अंदर इनको अच्छी खबर मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये उद्धार पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अपने प्रार्थना सुने विश्वास से मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मांगते प्रार्थना सुने कबूल करें, आमीन आमीन आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों प्रभु ने प्रार्थना सुनी है, प्रार्थना सुन के आंसर करा है और रिसीव करना और अपने आँखों से आप 24 घंटे में प्रभु का ये काम जरूर देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आज विश्वास के द्वारा आप चंगे हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मांगते प्रार्थना सुने कबूल करें, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीषित करें और आगे बढ़ाएं।